इन दिनों पश्चिमी सिंहभूम में नशे के कारोबारियों के ऊपर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, जहां आए दिन पुलिस नशे के कारोबारियों का भंडाफोड़ कर रही है। पिछले दिनों चाईबासा पुलिस के द्वारा छापेमारी के दौरान 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का डोंडा बरामद किया गया था, तो वहीं आज चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डोंडा अफीम लेकर एक ट्रक टेबो थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाला है। इसके बाद पुलिस अधीक्षक की तरफ से छापेमारी दल का गठन कर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग के क्रम में एक ट्रक को रुकवा कर तलाशी ली गई। ट्रक में खाली जूट के बोरे और टीन के खाली डब्बे के नीचे 35 प्लास्टिक के बोरे में 2000 किलो अफीम डोडा बरामद किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 3,14,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी म्यू खान और राकेश कुमार राजस्थान निवासी है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।